दोस्तों इस सीन में क्रिश को वापस जिंदा होने के बाद उड़ने की पावर्स कहां से मिल जाती हैं? क्योंकि इस सीन के बाद क्रिश के वापस जिंदा होते ही क्रिश के पास और नई नई पावर्स आ जाती हैं, जिसमें वो पूरी तरीके से उड़ना सीख जाता है और उसके बाद वो चीजों को दूर से हिला भी सकता है। तो जैसा कि हमें पता है, जादू अपनी शक्तियां सिर्फ धूप में इस्तेमाल कर पाता था। और इस पिक्चर की स्टार्टिंग में ही रोहित बोलता है कि वो जादू की शक्तियों को समझ चुका है, मतलब वो धूप की शक्तियों को समझ चुका है। तो रोहित ऐसा पेन बनाता है जिससे वो धूप की शक्तियों को कंट्रोल कर सके और किसी को भी इन्हीं शक्तियों से जिंदा कर सके। और इस सीन में जब वो क्रिश को जिंदा कर रहा होता है तो धूप की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए वो खुद भी सामने आ जाता है। जो शक्तियां क्रिश को जिंदा करने के लिए रोहित के अंदर से आ रही थी, वो रोहित की शक्तियों के साथ मिक्स हो जाती हैं और वो दोनों शक्तियां साथ में क्रिश को जिंदा करती हैं, जिसकी वजह से क्रिश धूप की शक्तियों से जिंदा तो होता है पर उसके पास रोहित की बची हुई शक्तियां भी आ जाती हैं। और शायद ये बात रोहित को भी नहीं पता थी कि वो ऐसे भी किसी को अपनी शक्तियां दे सकता है। पर हो सकता है हमें इस चीज के बारे में क्रिश 4 मूवी में और ज्यादा बताया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।